नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लाडिस पर मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र सिंह और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट है पानासोनिक एंकर पानासोनिक का यूरोपा स्विच जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें आइए देखते हैं इस वीडियो में किन किन क्वालिटीज़ के साथ आ रहा है ये यूरोपा का स्विच तो दोस्तों यूरोपा का जो स्विच आ रहा है ये तीन कलर वेरिएंट में आ रहा है जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक है ये वाइट है और ये जो है सिल्वर पैटर्न है इसकी प्लेट भी तीन पैटर्न में ही आ रही हैं मतलब तीन पैटर्न में तो सिंपल प्लेट आती है इसकी नॉर्मल जो है आ, अगर मैं ब्लैक के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन करूँ और वाइट के साथ में वाइट का और सिल्वर के साथ में सिल्वर का ये कॉम्बिनेशन बैठता है इसका लेकिन अगर आप चाहें अगर आप इस कॉम्बिनेशन को जो है आ, तो आप इसको जो है किसी भी तरीके से स्विच कर सकते हैं ब्लैक प्लेट वाइट पे लगा सकते हैं सिल्व और वाइट के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन या ब्लैक एंड वाइट या फिर वाइट सिल्वर जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कॉम्बिनेशन आप जो है इसमें कर सकते हैं ये इसकी तीन प्लेटें आती हैं जो इकोनॉमिक रेंज में आती हैं सस्ती वाली अब अगर इसको और प्रीमियम लुक देना है तो ये सुपर ग्लॉसी प्लेट के साथ में आप इसमें लगा सकते हैं ग्लेस ग्लास की जो है ये ब्लू कलर की प्लेट है ये वाइट कलर की प्लेट है और ये वाली जो है ग्लास में ब्लैक कलर की प्लेट है ये आपको बिल्कुल प्रीमियम जो है लुक देगा बिल्कुल ग्लास वाला ये जो इसकी ब्लू कलर की प्लेट है ये वाली इसकी वाइट कलर की प्लेट है और ये वाली जो है इसकी ब्लैक कलर की प्लेट है ये जो है ग्लास प्लेटेड है और अगर मैं इसकी मेटल प्लेट की बात करूं तो मेटल प्लेट में दो तरीके की प्लेट आती हैं एक जो है सिल्वर पैटर्न प्लेट है और ये गोल्ड पैटर्न प्लेट है जो आपके इंटीरियर के लुक को और ज़्यादा रिच करने में हेल्पफुल रहती हैं और अब अगर हम बात करें स्विच की क्वालिटी की तो एक बार जो अगर हम स्विच की क्वालिटी की बात करें तो ये है वो स्विच आ, ब्लू कलर की पैकिंग में आता है यूरोपा जो और ये है वो टेन एम का स्विच अगर मैं इस स्विच की क्वालिटी की बात करूँ तो फ्लेम रिटार्डेंट ये स्विच आता है आग बहुत जल्दी नहीं पकड़ेगा फायर है और इसकी ये जो मोल्ड बनाया गया है ये वाला ये जो आ, ग्रीन कलर का जो आपको मोल्ड दिख रहा है ये इसकी पायरेसी ना हो पाए इसकी डुप्लीकेसी ना हो पाए इस रीजन से टिपिकल मोल्ड बनाया गया है जिससे कि मार्केट में इसको कॉपी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो ये जो है यूरिया मटेरियल है वैसे पीवीसी का जो मटेरियल आता है वो थोड़ा सा पीवीसी का मटेरियल स्वच्छ में हल्का आता है यूरिया मटेरियल जो है आ, अच्छा माना जाता है क्वालिटी वाइज और इसके ब्रास के टर्मिनल्स हैं अगर आप इसमें देख पा रहे हो स्विच में तो इसके ब्रास के टर्मिनल्स हैं सारे और पीछे से आई पी ट्वेंटी प्रोटेक्टेड है ये स्विच जो है आप तो जो है करंट या शॉक प्रूफ रह सकते हैं अगर इसमें वायर लगा हुआ है तो आपकी उंगली बहुत जल्दी जो है डायरेक्ट जो लाइव वाला टर्मिनल है उसे जो है नहीं टच कर पाएगी और इसकी ऑपरेशंस की बात करूं तो लो नॉइज़ ऑपरेशन है 65 फाइव तक मैक्सिमम इसकी साउंड रहती है और वर्किंग पैटर्न स्मूथ है काफ़ी बहुत आराम से आप जो है इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हो वर्किंग पैटर्न बहुत स्मूथ है और इसकी स्विच की अगर मैं लाइफ की बात करूँगा स्विच की तो कंपनी का मानना है कि इसकी लाइफ जो है वन लाख ऑपरेशनल इसकी लाइफ है अगर आप इसको एक लाख बार यूज़ करेंगे ऑन ऑफ करेंगे तो ये स्विच जो है आराम से काम करता रहेगा इतनी टाइम ड्यूरेशन तक एक लाख तक की टाइम ड्यूरेशन तक और अब अगर मैं बात करूँ इसके साथ साथ जो इसके सॉकेट्स आते हैं सॉकेट्स में भी सेम पैटर्न दिया हुआ है पीछे की साइड में आ, आ, ये जो है यूरिया मटेरियल दिया हुआ है हैवी वाला आई पी ट्वेंटी प्रो प्रोटेक्टेड है जिसमें आपका जो है जो कनेक्शन है उससे डायरेक्ट जो है उंगली या हाथ टच नहीं होगा शटर वाले नहीं है सेफ्टी फ़ीचर को ध्यान में रखा गया है इसमें जो है कि आ, अगर कोई मैं कोई छोटा बच्चा है या वो इसमें उंगली ना करे या कोई ऐसा लोहे की कोई ऐसी चीज़ जिसमें ना घुसा दे जिसके से कि उसको शॉक लग सके उसको भी मतलब आ, एक सेफ्टी फ़ीचर है शटर वाला आ, अगर मैं यूरोपा की प्लेट की बात करूं तो सुपर ग्लॉसी इसकी प्लेट है और बिल्कुल प्लेन पैटर्न दिया गया है जिससे कि डस्ट नहीं पकड़ें ये प्लेटें जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक और जो एक रिच एक्सपीरियंस दें आपके इंटीरियर को जो है ये अगर हम इसकी प्लेट की क्वालिटी की बात करें तो पहले एक स्विच एक प्लेट हम खोल लेते हैं इसकी ये इसकी प्लेट की पैकिंग है जिसमें जो है सेपरेट पैकिंग है जिससे कि लगाते टाइम गंदी ना हो जो फाइनल रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं जिस समय लास्ट में आप प्लेट लगाते हैं वो आपको मिल सके और ये है प्लेट को मजबूती देने के लिए इसमें जो है ये मेटल का यूज़ किया गया इस जगह मेटल ग्रिप का यूज़ किया गया जिससे कि प्लेट की जो लाइफ है वो जो है सालों साल तक बनी रहे ये मेटल ग्रिप यूज़ की गई है इसमें दोनों साइड में और इसकी जो थिकनेस है अगर मैं इसकी इस वाली थिकनेस की बात करूं, तो 4.5 पॉइंट mm फाइव की स्लिम प्लेट है इस स्विच की जो सबसे अच्छी बात लगी वो आ, इसका बैग का मटेरियल जो है ये बहुत हैवी है ये बैग का मटेरियल जो है आ, सालों साल तक इस स्विच का कुछ होने वाला है नहीं और इसका लो नॉइज़ ऑपरेशन परफॉर्मेंस इसका इसमें एक खास बात और है कि आ, इसमें क्या है कि सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए इसमें एक बदलाव किया गया है ये जो जितने भी स्विचेस या सॉकेट या जितनी भी एसेसरीज है हम इसको जो है आ, अपने टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर से बाहर से आ, जो है इंसर्ट करके ही निकाल सकते हैं पूरा बॉक्स से प्लेट खोलने की आवश्यकता नहीं है उससे क्या रहता है कि एक तो समय की बचत होती है दूसरा जो है शॉक लगने के चांसेस कम रहते हैं वो भी एक सेफ्टी फीचर है इसका जो पूरा ऑपरेशनल है इसका चेंजिंग ऑपरेशनल है वो हम जो है आगे से ही कर सकते हैं बाहर से ही निकाल के इसको चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों ये था रिव्यू पैनासोनिक के यूरोपा स्विच का और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार